हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू डेली उदयपुर। और आज वीकेंड के एपिसोड में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हमारे उदयपुर शहर के एक लोकल सेलिब्रिटी माने जाने वाले एक बिंदास पर्सनालिटी के मालिक श्री छोगा लाल जी से। हालांकि सर को कोई तारुफ का के मोहताज नहीं है वो, और सभी लोग जानते हैं, लेकिन मेरे वो सब्सक्राइबर्स जो उदयपुर से बाहर के हैं स्पेशली उनसे मैं मिलवाना चाहूँगा। इतनी बिंदास पर्सनालिटी और इतनी खुशमिजाज पर्सनालिटी के धनी हैं। हम बात करते हैं, आइए चलते हैं। सर, आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। और बस जनता ने आपको हमेशा चैनल पे देखा, जनता आपके बारे में जानना चाहती है, उत्सुक है कि आपकी लाइफ का जो जर्नी है, आज आप द छोगा लाल जो बन गए हैं, आज हमारे शहर के एक वार्ड के पार्षद भी हैं सर, तो जानने की कोशिश करते हैं कि सर की लाइफ की जर्नी क्या रही है। सर कुछ बताएं अपने बारे में, जनता जानना चाहती है कि आज जहाँ जिस मकाम पर आप हैं वहाँ पहुँचने का जो सफ़र था वो क्या रहा। सोहेल जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। जी सर, थैंक यू आप भी मुझे समय दे रहे हैं। जी जी, आप भी बिजी हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं। सर, ये आपका बड़प्पन है, मैं काफ़ी समय से आपको इंटरव्यू करना चाह रहा था, आपको फॉलो भी कर रहा था, लेकिन क्योंकि आपका भी बिजी शेड्यूल रहता है तो आज मुझे मौका मिल गया है फाइनली कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत सिंपल हूँ बस। रही बात के मेरे बारे में जो आपने पूछा ना, वो मेरी भी अपनी लाइफ है। जो तो मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसको 62 ईयर्स ओल्ड आई एम, ओके 62 साल की उम्र है। तो बहुत पुरानी बातें बताऊंगा तो आप सोचोगे यार ये कितनी पुरानी बातें बता रहा है। लेकिन सर, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा, 62 या आज आपने कन्फेस किया, अदरवाइज आप हमारे लिए 30 के ही हैं आज भी, क्योंकि जो एनर्जी है आपकी और जो हमें आप हमेशा से एक इंस्पिरेशन देते आए हैं, वो उस हिसाब से तो आप हमारे लिए मुझसे भी यंग हैं। चलो, ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा, ये आप जैसे की दुआ है, हम चाहते हैं आपकी तरह ही लाइफ जिए। बिल्कुल, आप जैसे यंग के साथ मैं रहता हूँ ना, तो मैं स्वयं अपने आप को यंग फील कर लेता हूँ। रही बात की मेरी अपनी लाइफ की, तो यही गांव है भिंडर तहसील वल्लभ नगर में, हिंता गांव, वहां पर मैंने पहली क्लास से 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ हूं। उसके बाद मैं उस जमाने में वहां स्कूल 5वीं तक ही होते थे, यानी कि प्राथमिक स्कूल। उसके बाद मैं 6ठी क्लास से मैं उदयपुर के दानमंडी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और लगभग 10वीं क्लास पास की। 10वीं के बाद मैं, पिताजी गन्ने का रस बेचते हैं, उनके साथ गन्ने का रस बेचा उदयपुर में मंडी क्षेत्र में, आपकी एक दुकान है। हाँ, दाल मंडी, पुराना जो दिल्ली गेट के अंदर। जी जी, तो इस तरह से वहाँ, तो ये केबल का जो आपका जो बिजनेस है, इसका वहाँ तक कैसे रुझान गया, कैसे आपका? देखो, केबल एक तो मैं जो बात कर रहा हूँ, मान लो सन 1958 को मेरा जन्म हुआ। जी, 58 के बाद में सन 1971-72 में हम 8वीं क्लास पढ़ते थे। उसके बाद में 10th की, फिर राजस्थान स्टेट रोड में नौकरी की। अच्छा, नौकरी के बाद में भी कई सारे काम किए। तो केबल की जहाँ बात कर रहे हो, केबल का बिजनेस किए हुए लगभग 25 से 28 साल पहले काम किया। जी जी, तो हम लोग कई सारे काम कर देते हैं। स्टेट रोडवेज के अंदर बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। क्या कारण रहा उसको छोड़ के आप इस बिजनेस में आने का? मतलब आज से 35 साल पहले राजस्थान स्टेट रोडवेज में मुझे सिर्फ 800 या 1000 रुपये महीने के मिलते थे, और मेरी सोच बहुत ऊंची थी कि यार मैं काम कर सकता हूँ कई तरह के। मेरे पिताजी जैसे गन्ने का रस बेचते हैं, तो वो भी जब गन्ने का रस बेचकर रोज के 100-200 रुपये उस जमाने में बचाते थे, तो फिर मैं नौकरी क्यों करूँ? अच्छा, मैं भी अपना कोई काम करूँ। तो रोडवेज की नौकरी छोड़ी, दूसरे कई सारे काम किए, लेकिन 28-27 पहले मैं इस केबल लाइन में घुस गया। तो सर, जब आपने मतलब रोडवेज की नौकरी जब छोड़ी, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, कि यार क्यों, मतलब आप एक अच्छे डिपार्टमेंट की नौकरी छोड़ के और नई चीज़ स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो उसको क्या रिएक्शन आया मतलब घर वालों का? हाँ, सरकारी परिवार वाले ये चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी नहीं छोड़ूँ, क्योंकि सरकारी जनरली ऐसा देखा जाता होता है, और वो राजस्थान स्टेट रोडवेज की नौकरी थी, और मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी कॉन्फिडेंस था अपने आप में। पिताजी की गन्ने के रस की दुकान थी, एक कोई टीच का चौक में गन्ने के रस की दुकान के पास में एक पान की दुकान भी चलाई मैंने। अच्छा, वहाँ से भी कुछ पैसा कमाया मैंने। अच्छा, उसके बाद में कॉन्ट्रेक्टरशिप भी की कई सारी सीमेंट फैक्ट्रियों में। ओके,
पाँच बरस तक उदयपुर से बाहर पोरबंदर में सीमेंट फैक्ट्री है, सौराष्ट्र सीमेंट एंड केमिकल्स। ओके, उसमें सीमेंट जितना लोडिंग होता था जी, इसमें जो होता है ना सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट इकट्ठे होते हैं, उन सबको ट्रक में और वैगन्स में भरवाना, इस तरह का कॉन्ट्रैक्टर था मैं। वो काम भी किया 35 साल तक 35 बरस पहले। अच्छा, उसके बाद में 5 साल के बाद में मैंने पोरबंदर छोड़ दिया, उदयपुर आए, बच्चे बच्ची हो गए, फिर कोई बिजनेस मेरे पास नहीं था। तो पोरबंदर से भी एक आइडिया लगा कि यार एक व्यक्ति दो चैनल चलाकर और VCR से फिल्म बताकर एक महीने का 50 रुपये लेता है जी। तो अगर कोई VCR से फिल्म बताता है, दो चैनल उस समय आते थे स्टार स्पोर्ट्स और ZTV जी, तो 50 रुपये महीना का लेकर अगर वो 200 कनेक्शन करता है तो कितने रुपए हो गए, 2500 महीने। तो 35 साल पहले 2500 बहुत बड़ी बात होती थी महीने के, कहाँ मैं 1000 रुपये में, मतलब कॉन्ट्रैक्टरशिप समझा, कॉन्ट्रैक्टर के टाइम तो मैं ज़्यादा पैसे कमाता था, लेकिन बिल्कुल आज तो मतलब एक इंस्पिरेशन का सोर्स है, एक हमारी केबल इंडस्ट्री के किंग कहा जाए तो कम नहीं है उसके लिए। और आपकी पर्सनैलिटी जो है बिंदास, एक दबंग वाली पर्सनैलिटी है, और आज आप पार्षद भी हैं हमारे शहर में, तो अब बीइंग अ पार्षद आप उदयपुर के डेवलपमेंट में क्या हिस्सेदारी करने वाले हैं? नहीं, वो सही, हमारा उदयपुर में नगर निगम पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, एक टर्म 5 साल का होता है, ये छठा बोर्ड है। उस छठे वार्ड में मैं भी पार्षद बना, मेरी भी अपनी इच्छा थी, मैंने मेरी पार्टी को कहा कि यार मुझे पार्षद बनना है, कारण के सभी बोर्डों ने काम किया लेकिन मेरा अपना एक नया IQ है, तो मैं निगम के सामने मेरी बातें रखूंगा, उदयपुर को स्वच्छ सुंदर उदयपुर बने तो इस कार्रवाई के लिए मैं उसका पार्षद बना हूँ, निगम में काम कर रहा हूँ, शुरुआत है अभी तो पार्षद बने हुए 10-15 दिन हुए हैं, 5 बरस तक उदयपुर में काम करना मुझे, तो शायद बहुत अच्छा काम करूँगा। अंकल, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि मैं आपको बताना चाहूँगा इनफैक्ट कि केबल जब आपने उदयपुर में इंट्रोड्यूस किया था उस समय बहुत कम घरों में केबल कनेक्शन हुआ करते थे। जब आज का दौर ऐसा आ गया कि जहाँ D2H और टाटा स्काई लोगों ने लेना स्टार्ट किया, लेकिन एक तबका आज भी उदयपुर में इस तरीके का है जो सिर्फ आपके लिए ही D2H और टाटा स्काई की तरफ नहीं जा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर हम D2H या टाटा स्काई लेते हैं तो हमारे पास हमारा जो छोगा लाल जी से कनेक्शन है, जो उनकी एक नया एक यूनिक तरीका है उदयपुर की समस्याओं को प्रेजेंट करने का, उदयपुर की ड्यूटीज़ को दिखाने का जो तरीका है, उससे हम कहीं छूट जाएंगे, वो पीछे रह जाएगा। वो भी मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि जनता ने स्पेशली हमें ये बात बोली थी कि जब आप बैठे साथ में तो ये बात बताएं कि हम चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी कनेक्टिविटी की वजह से कि हम छोगा लाल जी की यार वो चीज़ मिस हो जाएगी। तो ये आप हम जनता आपसे इतनी मोहब्बत करती है, प्यार करती है कि मतलब आप जनता के लिए हमारे उदयपुर के लिए चले। वो उसका कारण क्या, जो ही मैंने केबल स्टार्ट किया उसको लगभग 28 साल हो गए, तो 28 साल के 2-3 बाद जब केवल मैं हम VCR से पिक्चरें बताते थे, तो फिल्म बताते बताते VCR से फिल्म बताते थे, फिर जैसे शादियों की कैसेट होती थी तो कैमरा हमने खरीदा, तो शादियों की शूटिंग तो नहीं की, लेकिन मान लो कहीं आप इस्लाम धर्म को मानते हैं, मुसलमान हैं, ताजिए भी निकलते हैं, तो अब हर आदमी ताजिया देखने तो उस जगह पे तीज का चौक में नहीं जा सकता है, कोई बुजुर्ग नहीं जा सकता है, तो मैं क्या करता, उस ताजियों की सवारी की पूरी शूटिंग कर लेता। बिल्कुल, हर साल हमारे यहाँ उदयपुर में गणगौर का त्यौहार होता है, तो गणगौर की पूरी शूटिंग करके उसमें बता देता, कहीं गौरी बता देता, कहीं कोई नेता का भाषण दे रहा तो उसको रिकॉर्डिंग करके बता देता, तो लोगों को ये अच्छा लगा, अरे यार ये बढ़िया काम है। तो उसमें मैं धीरे धीरे 20-25 साल से ऐसा हो गया कि मैंने अपना एक न्यूज़ चैनल मेवाड़ न्यूज़ चैनल भी बना दिया जी। तो आप ये कह सकते हो कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट न्यूज़ चैनल मेरा। बिल्कुल, कारण बताता हूँ मैं आपको,
कि इससे पहले सिर्फ दूरदर्शन न्यूज आती थी, दूरदर्शन न्यूज के बाद में अभी 15 साल पहले ईटीवी राजस्थान या ऐसे न्यूज चैनल स्टार्ट हुए थे। राजस्थान की भी बात करो तो मतलब राजस्थान न्यूज आती थी जी, वो भी दूरदर्शन की हुआ करती थी, लेकिन प्राइवेट न्यूज चैनल ईटीवी राजस्थान ने शायद उदयपुर में राजस्थान में फर्स्ट की, लेकिन आपके बाद ईटीवी से भी पहले मैं अपना मेवाड़ चैनल मेवाड़ न्यूज लोगों को बताते थे और सक्सेसफुल था। बारिश के समय पे जो प्रॉब्लम होती है शहर के अंदर, उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से और डीपली प्रेजेंट करना, समस्याएं प्रेजेंट करना, लोगों से बातचीत करके उनके दिल की हाल जानना, हम हमेशा आपको हर मकाम पे फॉलो करते आए हैं, देखते आए हैं। अब इसने आप पानी इतना घुटनों तक भरा होता है, आप खुद परवाह नहीं करते उस चीज़ की, आप चाहते हैं कि जनता जो घर में बैठी है बाहर का हाल तो जाने के हो क्या रहा है, तो वो सब चीज़ें अंकल हमने देखी है, आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। इवन उदयपुर के एक न्यूज़ चैनल के पहले संवाददाता आप रहे हैं, वो भी आपने कुछ समय हाँ जी 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 न्यूज में एंकरिंग करता था जी जी, शौक है मुझे क्या कि पहले तो ये लोगों को खुश करने के लिए करते थे, लेकिन इस चीज़ को फिर पत्रकारिता में ले लिया मैंने कि साहब कहीं नाली टूटी हुई है, कहीं आयर की नदी खूबसूरत नहीं है, गंदगी है, कहीं तालाब में बहुत गंदगी गिर रही है, तो धीरे धीरे जो अच्छी चीज़ें तो बताई ही हैं, लेकिन कोई बुराई भी है उदयपुर शहर में जिसको सरकार ठीक कर सकती है, यूआईटी ठीक कर सकती है, नगर निगम ठीक कर सकती है, तो वो समस्या भी मैं बताई तो उससे पत्रकार हो गया। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ छोगा लाल जी, जिन्होंने अपना समय दिया और हमें उनके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए। इसी तरीके से उदयपुर की और भी पर्सनालिटीज से मैं आपको मिलवाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय। बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल जी, आप भी उदयपुर के, मैं भी उदयपुर का, और चाहता था आपसे बात करने का। कश्मीर वाली बात भी आई कि अंकल सारी वो मशीन लाना, सारा सुधार होना, आज सफाई वाली जो मशीन है आपकी कोशिशों की वजह से नहीं हुआ, बढ़िया सब यार, अपन सब देखते हैं तो कुछ बढ़िया हुआ। आपने नहीं वो, लेकिन वो शूट करके लाके यहाँ के प्रशासन को एक थप्पड़ लगाना कि मतलब आप देखो ये चीज़ हमारे यहाँ भी हो सकती थी, और वो अल्टीमेटली वो चीज़ हुई और वो चीज़ आई, बाहर जाता हूँ मैं, कश्मीर गया वहाँ देखा तो यार दिमाग में आता ना कि यार यहाँ बहुत जलकुंभी थी, आज देखो उस मशीन के कारण, जो डिवाइडिंग मशीन है ना उदयपुर की, उस मशीन के कारण अब कभी जलकुंभी हमारे किसी भी झील में नहीं। अंकल मैं आपको बता दूँ, जो आपने मुहर्रम की बात की कि मैं मुस्लिम समाज से हूँ, और तो आज हम घर का माहौल बता रहा हूँ कि हम लोग जाना बंद कर दिया उस जुलूस के अंदर, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि 8:30-9 बजे मेवाड़ चैनल के ऊपर अंकल पूरा डिटेल्ड कवरेज जो है दिखाने वाले हैं, तो हम 8 बजे से ही चैनल लगा के बैठ जाते हैं कि यार बस 15-20 मिनट में अंकल घर पहुंचेंगे, उस लगाएंगे उसको लगाएंगे चालू करेंगे, तो आज भी ऐसा माहौल अंकल, और कहीं ना कहीं आपसे हमारे मतलब हमारे घर के मेम्बर इसी कारण से मैं पूरे उदयपुर से जुड़ा हुआ जी, मतलब मेरे लिए चाहे आप मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, चाहे बोरे हैं या कोई खटीक समाज का, बोई समाज का, जैन समाज का, वो सब मुझे अपना समझते हैं, क्योंकि मैं लगभग 28 साल से उनके घरों में बैठा हूँ। अगर एक किस्सा और मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि कहीं एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले और गाड़ी के अंदर विक्टिम्स फंस गए, आपने निकाला उनको, आप उधर से गुजर रहे थे हाईवे पे और आपने देखा, उनको रेस्क्यू किया, फिर उनको अपनी गाड़ी में डाल के शायद हाँ, ये 20-25 साल पहले की बात है, हिंदुस्तान जिंक से आगे पावर हाउस चौराया, वहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा ट्रोला सड़क पे चल रहे लोगों के ऊपर चढ़ गया था, उसमें लोग फंस गए थे और ट्रोला पूरा उंडा हो गया, तो फिर हमने हमारी गाड़ी को रोकी कि आगे हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं था, ये ज़रूरी था कि यार इसमें घायल हैं, कुछ मर गए हैं, तो उन लोगों को निकाल कर हॉस्पिटल पहुँचाया और मृतक को भी एम्बुलेंस में डाला, तो ये तो मानवता के नाते कोई भी करता, आप भी बिल्कुल रास्ते में चल रहे हैं बिल्कुल, और आपको भी दिख जाए कोई गिर गया तो आप उसको उठाने जाओ, तो ये इसी मानवता तो हम सभी में होती है। तो अगर आप मेरे चैनल के थ्रू जो यूथ है जो आपको एज ए सेलिब्रिटी फॉलो करता है और आपका एक भी वीडियो चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो आपका खुद का चैनल हो मिस नहीं करना चाहता है, कुछ ना कुछ नया
इंस्पिरेशन मिलती है। कुछ आप कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें कि लाइफ में किस तरीके से आदमी को जीना चाहिए और रहना चाहिए, लाइफ को कितना कलरफुल लाइफ में मस्त रहना चाहिए। अपने यारी दोस्ती जितने भी दोस्त हैं उसके साथ एक तो खुश रहो, किसी भी दोस्त के साथ दगा मत करो। भाई उसे नहीं बनती है तो चल भाई नमस्ते थैंक यू, कल तेरे से नहीं मिलेंगे, लेकिन नहीं बनती है तो इसका मतलब नहीं कि उसको तुम लॉस पहुंचाओ, फिर दोस्ती किस बात पे है। तो इस तरह से होना चाहिए कि यार अच्छे दोस्तों के साथ रहो, कोई दोस्त गलत है तो चुपचाप उसके साथ साइड में हो जाओ, अपने परिवार के साथ रहो, परिवार को आगे बढ़ाओ। सब भाई पांच, जैसे आपके भी चार पांच भाई होंगे, मेरे भी चार पांच भाई है, सब भाई बराबर नहीं होते। ये चीज कभी जानने को नहीं मिली, आज मौका मिला है तो पूछता हूँ कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, आप आपके अलावा और भी मेंबर्स हैं घर में? नहीं, मेरे पांच भाई है। अच्छा। मेरे पिताजी खेती भी करते थे, गन्ने का रस बेचते थे वल्लभ नगर से। हाँ नहीं, भिंडर हिंता, अब वल्लभ नगर तहसील आ जाती है पर हिंता गाँव है, वहाँ खेती बाड़ी करते थे। फिर वो मेरे पिताजी यहाँ गन्ने का रस बेचते थे मंडी में जी, बहुत ही फेमस। हम लोग पांच भाई हैं, डोली बावड़ी और मंडी के बाद और पांच भाई हैं, एक सिस्टर है, उसके बाद में मेरे खुद के तीन बेटे बेटी हैं, अविनाश मेरी पत्नी, मेरी पत्नी अंसा माली जो पार्षद काउंसलर रह चुकी है, सभी वेल। और बाकी के जो भाई आपके ब्रदर्स हैं वो? एक भाई केबल का काम करता, एक भाई गन्ने का रस बेचता है, जो फादर की गन्ने का रस वो बेचता है। दो भाई अभी भी गांव में खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन हम भाई अभी भी सब मिलते हैं। अच्छा। सब भाई के बड़े बड़े लड़के हो गए, मेरे भी जब मेरा बच्चा 35 साल का है तो उनके भी लगभग आशीष बड़ा जो है, अविनाश। तो परिवार के लोग मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। नहीं तो मान लो मैं करोड़पति बन गया, और ऐसा नहीं है कि मैं मेरे किसी छोटे भाई गरीब के काम नहीं आऊँ, हम उसके सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं, तो इसलिए हमारी फैमिली बहुत खुश है आज। मैं आपको अपने फैमिली की तरफ से भी एक मैसेज देना चाहूँगा, अभी वो है नहीं, मेरे बड़े भाई है अशफाक जी। अच्छा, वो आपके बहुत दीवाने हैं। डोली बावड़ी मकान है, अभी आपने रिसेंटली उनको इंटरव्यू भी किया था, अभी आप जब लास्ट मोहरम पे आपने शूट किया था तो दिन के समय जब आप निकले तो जो हलीम बन रहा था वहाँ पे, हलीम का जो इंटरव्यू था वो वही थे मेरे भैया। और वो हमेशा मेरे मतलब कभी भी परेशान होते हैं और अगर आपको टीवी पे देख लेते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, और मैंने अभी भी उनको बता रखा है कि आज मैं अंकल से मिल रहा हूँ। अच्छा। वो क्या, वो भी कंस्ट्रक्शन लाइन पर है तो वो अभी साइट पर हैं, बिजी हैं। ओके। तो वो अभी आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए, तो वो बहुत बड़े दीवाने हैं आप। और आपका जो भी इंटरव्यू होता है ना, जो भी आप टीवी पे चलाते हो, अगर वो रिपीट भी होता है तो मैं गवाह हूँ इस बात का कि वो रिपीट भी देखेंगे, मतलब इतना। और डोली बावड़ी रहे उस समय से ही आपके काफ़ी इससे बड़े वाले मेरे भैया। अच्छा अच्छा, ये मोहसिन, आपका क्या नाम है? मोहसिन नाम है। अच्छा, ये चलो दोस्तों, देखिए किसने, खुशी की बात है कि मैं तो एक सिंपल आदमी हूँ, टीवी चलाता हूँ, टीवी में काम करता हूँ, लेकिन इतने लोगों से मिलना हो जाता है यार। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरा शहर कहीं ना कहीं अंकल छोगा लाल जी से मोहब्बत करता है, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको इस तरीके की मोहब्बत, अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, नहीं मिला मिला यार। अभी मैं जैसे मान लो मैं बता दूंगा आपको, अल्लाह और तरक्की दे। अरे मैं आपको बीच में बात रोकता हूँ यार, अभी जैसे मैं वार्ड 57 का पार्षद लड़ा जी, अभी 15 दिन 20 दिन ही हुए जीते हुए जी। लेकिन सभी धर्मों के, चाहे बोरा समाज हो, मुस्लिम समाज हो, जैन समाज हो, गांछा समाज हो, तेली समाज हो, सब लोगों ने मुझे वोट किया यार, और मैं आराम से जीत गया यार। तो ये आप सब पूरे उदयपुर वालों को मेरे पे बहुत ज्यादा प्यार है, हर कोई कहता है कि हमारा छोगा लाल जीतना चाहिए। अच्छा अंकल, बचपन में क्या नेचर था आपका, बदमाशी बदमाश थे या सिंसियर थे? नहीं, बदमाशी किसको किसको कहते हो, बदमाशी पहले तो ये बताओ। नहीं, बदमाशी किसको कहते हो? नहीं मतलब शरारती नहीं होते, नहीं मेरा शरारती नहीं, बहुत सीधा साधा गांवड़े का आदमी था। गांवड़े के लोग कहाँ शरारती थे? हाँ नहीं, जैसे आप कह रहे हैं इतने सारे भाई बहन थे तो कोई एक भाई का नेचर होता है, ये कुछ नहीं होता है, बस ये जरूर है हम दबंग जरूर बन गए। दबंग तो बन गए, वो तो हम सब जानते हैं। क्या कह, दबंग इसलिए बन गए ना यार कि फिल्में देखते थे अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन से पहले धर्मेंद्र की फिल्में, शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्में देखते थे। तो चाहे आप भी किसी की पिक्चर देखो, जिसमें जैसे सलमान खान की पिक्चर आपने ज़्यादा देखी होगी कि सलमान खान कैसे है कि भाई एक रोबिन हुक टाइप के, गरीबों की हेल्प करो, कोई दादागिरी करता है तो उसको मारो सा लगो, फिल्में इसी ऐसी तरह की फिल्में बनती। तो हम लोग भी अमिताभ बच्चन के ज़माने में, अरे यार मान लो मैं रोडो जो नौकरी करता
कोई अधिकारी उससे परेशान करता है किसी गरीब कर्मचारी को, तो हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं करेगा। तो किसी गरीब की हेल्प करने में कभी कभी अपने आप को दबंग बनना पड़ता है। बिल्कुल, तो हम दबंगता जरूर रखिए। दबंगता आपकी जो दबंगता है उसको देखते हुए हम लोग भी आपकी तरह, चाहे वो पत्रकारिता की फील्ड हो, जर्नलिज्म हो, जर्नलिज्म में भी सर आपके साथ कई बार ऐसा मौका मिलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं, आपके जो सवाल आते हैं तो उससे हम लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि आप इस तरीके से सवाल हम लोगों को भी पूछने चाहिए बिंदास, किसी बारे में ना सोचते हुए जनता की सोचते हुए आपको पूछने चाहिए। हम कई बार आपको देखता हूँ कि आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करते हैं तब भी आप फ्रंट रो में बैठे होते हैं और जो भी सवाल होता है बिंदास हम पूछ लेता हूँ। कल एक चीज़ और रह गई लाइफ, पूछे इस इंटरव्यू में रह जाइए, संवाद एक तो राखी सावंत हाँ, और एक जो एक्टर है संभावना सेठ और एपिसोड में वो हमने बहुत ही वायरल आपका इंटरव्यू है, और आज भी आप संपर्क में हैं उनसे? हाँ, संभावना से बात होती है, कभी कभी व्हाट्सएप होता है। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं राखी सावन फतेहगढ़ में आई थी जी, दो चार महीने शूटिंग की थी, उसमें क्या था कि राखी का स्वयंवर, तो उसका भी इंटरव्यू करने गए तो पूरे उदयपुर ने देखा, वो भी बिंदास और अपन भी बिंदास, जब दो बिंदास आदमी एक साथ मिलते हैं ना तो कोई नई एनर्जी मिलती है। एक अंकल हम छोटे थे और यहाँ मैं नाम तो नहीं लूँगा, कोई खड़ा होकर एक एक्ट्रेस थी हाँ, जो शादी जिन्होंने यही थी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग गए, जब मैं इंडिया में नहीं था उस टाइम में छोटा था, लेकिन आपने उनसे सवाल किया कि ये क्या अगली बार भी यही शादी जो है करने का आपका इरादा है, तब आप काफ़ी नाराज नहीं हो पड़े? पत्रकार हो, लेकिन आप पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार हो, अपन सवाल किसी को चुपता हुआ पूछेंगे ना तो असली तो बात वो तिलमिला तो जाएगी, तो वो ऐसा सवाल अगर उसने, मैंने तो ठीक पूछा पर उसको ठीक नहीं लगा वो सवाल जी, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में था, तो उसने कहा नो कमेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसा कर सकते हैं, अपन को सुनना पड़ता है। तो अंकल मैं बस इसी के साथ इसको इंटरव्यू को यहाँ एंड करना चाहूँगा, मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा और आपको मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे आए, इतना समय मुझे दिया और इतनी वैल्यू दी। नहीं यार, आप भी पधारना हमारे, आपको इंशाल्लाह और सभी लोगों की तरफ से, पूरे शहर की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएँ, आपने जो अभी नई कुर्सी संभाली है पार्षद की, उसके लिए भी हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं कि आप अच्छे से काम कराएँ और इसी तरीके से जनता का प्यार मिलता है। थैंक यू भाई, थैंक यू। दोस्तों ये सोहेल जी, हम तो दोनों ही मीडिया वाले ही हैं, पार्षद तो बन जाते हैं 5 साल के लिए, पर हम मीडिया वाले पहले हैं, उदयपुर की जन समस्या पार्षद बन के वहाँ हल करेंगे और मीडिया में रहकर हम दोनों अपनी समस्या को, उदयपुर की समस्या को उजागर करेंगे। भाई अंकल, आप जनता को कह दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं बताना चाहूँगा कि अंकल भी अपना एक यूट्यूब चैनल जो है चलाते हैं, मेवाड़ चैनल, अरे उसको भी चलाऊंगा, आपका इंटरव्यू निकाल के मेरे केबल पे भी चलूंगा जी, 155-156 क्या बात कर रहे हैं जी। इसी तरीके से बने रहे हम लोगों के साथ, और भी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटीज़ को लेके आने की कोशिश करूँगा, शुरुआत मैंने अंकल से की है तो शायद हो सकता है मेरे लिए लकी रहे। अरे यार, अच्छे आदमी के जय हिंद जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।